पीएम मोदी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा, देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ नहीं रुकेगी कार्रवाई। 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी के लिए दिया विवादास्पद बयान, बोली सत्ता में आए तो जेल जाएंगे पीएम मोदी। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष की हताशा चरम पर है। चिराग पासवान ने कहा बदले की भावना से ग्रसित है मीसा भारती, अगर मीसा भारती के पास मोदी सरकार के खिलाफ हो कोई आरोप तो पहले आरोप लगाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश, बोले किसी को नहीं लेने देंगे जमीन का एक इंच, पाकिस्तान को दिया आतंकवाद खत्म करने की सलाह। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान पर वोटरों को धमकाने का आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ रहना है, धमकी का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमीदुल रहमान का वीडियो किया ट्वीट, चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चालसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले के सामने लगे जय श्री राम के नारे, ममता चालसा इलाके में हेलीपैड से उतरकर कार से जा रही थी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों को ममता दिखा रही है दंगे का डर, मुसलमानों को देखकर ममता बनर्जी करती हैं दंगे का जिक्र। पूर्णिया में पप्पू यादव के समर्थन में उतरे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी का खुलेआम किया विरोध, तेजस्वी पर गलत टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली, प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर ड्रोन और गुब्बारे उड़ाने पर बैन। राजस्थान में दो जगहों पर पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार, बाड़मेर में करेंगे रैली, दौसा में होगा रोड शो। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश महासचिव मोहम्मद फिरोज खान का बयान, बोले एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ समझौता, मैं दौड़ में नहीं हूं, आलाकमान करेगा फैसला। कांग्रेस का असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा हिंदुओं के खिलाफ काम करती है कांग्रेस। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, यूपी के मुरादाबाद में करेंगे रैली, शाम को तमिलनाडु के मदुरई में होगा रोड शो। बिहार की सीवान सीट को लेकर आरजेडी में मुश्किल, शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बीच फंसा पेच। महाराष्ट्र में कांग्रेस को नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तरी मुंबई के लिए कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर मंथन। महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान जारी, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और कई अन्य पदाधिकारी आज जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में हाईकमान के नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए सिंगर जुबीन नौटियाल ने प्रचार के दौरान गाया पीएम मोदी पर गाना, गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल बलूनी। गुजरात में बुलडोजर प्रचार करते नजर आए बीजेपी कैंडिडेट, आणंद सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितेश पटेल ने बुलडोजर पर सवार होकर निकाली रैली। यूपी के सहारनपुर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, शाम को गंगोह और देवबंद में करेंगे रैली। छत्तीसगढ़ में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कांग्रेस पर पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेसियों से पीएम मोदी की जान को खतरा है। मध्यप्रदेश के अशोकनगर में चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज, अपने कैंपेन सॉन्ग पर डांस करते नजर आए। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी अभियान, शाम को तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में रैली करेंगे। और केरल में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथिल्ला का पीएम मोदी को लेकर बयान, बोले मोदी के जितने दौरे केरल में होंगे कांग्रेस की स्थिति उतनी ही मजबूत होगी।